गुड इवनिंग एवरीवन, इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू सी टू सिंपल टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट ऑफ जीए सिस्टम. टॉपिक इज एनल फिस्टुला एंड फिशर्स. फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर एनल फिशर्स. एन एनल फिशर इज अ टीयर और कट इन द स्किन दैट लाइंस द एनस कॉजिंग ए पेनफुल लीनियर अल्सर एट द मार्जिन ऑफ द एनस. The anal fissure can cause pain, bleeding and or itching. ठीक है, the fissure मतलब क्या है? It is nothing but a cut or tear in the margin of the anus. Because of this cut or tear, the patient will get pain, bleeding and itching or irritation. So what are the causes and risk factors? Large or hard stools passing through the anal canal, constipation, straining during bowel movements, diarrhea, childbirth. Anorectal surgery, proctitis, proctitis, a low fiber diet. ठीक है, childbirth is a main cause for anal fissure. ठीक है, then these are the causes and risk factors. Every words are simple and about this proctitis we had already explained in the last sessions. Coming to the clinical manifestation, sharp, stinging and burning pain, spots of bright red blood, itching. Visible crack in the skin in the anus region, anal region, a small lump or skin tag on the skin. जैसे हमारा wound जब heal होता है, ठीक है, जैसे small lump or skin tag होता है anal region में. So these are the clinical manifestations. Coming to the diagnostic evaluations, careful physical examination, anal manometry, flexible sigmoidoscopy and colonoscopy. ठीक है, with careful physical examination itself this anal fissure can be identified. Medical management includes high fiber diet is the main thing, then stool softeners, bulking agents we can given, then we can advise the patient to have plenty of fluids, warm baths for 10 to 20 minutes several times in a day, sitz bath. ठीक है, what is sitz bath? Sitz bath मतलब ये है गर्म पानी में हम patient को बिठाते हैं. ठीक है, एक बेसिन में और सिक्स बाथ टब में गर्म पानी डाल के उसमें पेशेंट को बिठाते हैं. ठीक है, देन लोकल एनेस्थेटिक फॉर पेन, नाइट्रोग्लिसरिन वी कैन गिव, देन बोटोस इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन इनटू द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन इन स्फिंक्टर प्रेशर. ठीक है, सो दिस इंजेक्शन, बोटोस इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन का, बोटोक्स इंजेक्शन जब देते तब वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इंजेक्शन देयर विल बी रिडक्शन इन दी स्पिंचर प्रेशर. ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट, क्रॉनिक फिशर्स, अक्यूट फिशर्स कैन बी ट्रीटेड बाई मेडिकल मैनेजमेंट, देन इफ देर इज क्रॉनिक फिशर देन इट शुड बी सर्जिकली रिमूव्ड. विच आर रेसिस्टेंट टू दी अबाउट ट्रीटमेंट्स शुड बी ट्रीटेड बाई सर्जरी. दिस इज यूजली अचीव्ड बाई कटिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनर मसिल अराउंड द एनस एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज इंटरनल स्फिंक्टरेक्टमी. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, एनस की अराउंड में जो इनर मसल पोर्शन से वो हम रिमूव करते हैं. ठीक है, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इंटरनल स्फिंक्टरेक्टमी. ठीक है, वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर इन क्रॉनिक फिशर्स, नॉट फॉर अक्यूट फिशर्स. अक्यूट फिशर्स कैन बी ट्रीटेड विथ मेडिकल मैनेजमेंट. देन लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एड फाइबर टू डाइट, ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड्स, exercise regularly and avoid straining during a bowel movements. So these are the lifestyle and home remedies for acute fissures and for preventing the fissures. So the next topic is fistulas. What are fistulas? A fistula is an abnormal connection between an organ, vessel or intestine and another structure. ठीक है, fistula मतलब क्या है, अपनॉर्मल कनेक्शन. ठीक है, दो ऑर्गन और दो वेसल, ठीक है, और इंडस्टेन और उसके साथ एक ऑर्गन और एक इंडस्टेन के साथ जब अपनॉर्मल कनेक्शन होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज ए फिस्टुला. फिस्टुलास आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इंजरी और सर्जरी. ठीक है, सबको पता है फिस्टुला मतलब क्या है, वी आर स्टडीड अबाउट ए वी फिस्टुला इन रीनल सिस्टम. ठीक है, तो उसमें फिस्टुला का मीनिंग क्या है वो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है. सो इन दिस This fistula is a diagnosis. ठीक है,
सर्जरी के वजह से नहीं तो एक इंजरी के वजह से जब दो ऑर्गन्स कनेक्ट होते तब क्या बोलते हैं उसको हम फिस्टुला बोलते हैं ठीक है. इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन एंड फिस्टुलास में भी फोर टाइप्स ऑफ फिस्टुलास आर देयर. मतलब वी कैन डिवाइड इन टू फोर टाइप्स. फर्स्ट वन इज ब्लाइंड दैट इज ओपन ऑन वन एंड ओनली बट कनेक्ट्स टू टू स्ट्रक्चर्स ठीक है. मतलब दो स्ट्रक्चर में कनेक्ट होता है फिर भी वो एक ही साइड में ओपन होता है. देन कंप्लीट ठीक है. दो स्ट्रक्चर का कनेक्शन होता है और दोनों साइड में ओपनिंग होता है. देन हॉर्स शू दैट इज कनेक्टिंग द एनस टू द सरफेस ऑफ द स्किन आफ्टर गोइंग अराउंड द रेक्टम दैट इज हॉर्स शू. देन इनकम्प्लीट दैट इज क्लोज्ड ऑन द इनसाइड एंड डस नॉट कनेक्ट टू एनी इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिस्टुलास. Anal fistulas we are describing. Then what are enterocutaneous fistulas? That is from intestine to the skin. Then enteroenteric or enterocolic that is involves the large and small intestine. Enterovaginal that is the fistula that goes to the vagina. Enterovesicular that means the fistula goes to the bladder. Yeah, these are the other types of fistulas. Enterocutaneous, enteroenteric or enterocolic, enterovaginal and enterovesicular. In the word itself, the meaning is given. Enterocutaneous. Cutaneous matlab kya hai? Connection between the skin. Enteroenteric or colic. Colic or enteric ka meaning matlab kya hai? It is intestine. It indicates the intestine. That is involved large and small intestine. Enterovaginal. Okay. Fistula into the vagina. Then enterovesicular. Matlab kya hai? To the bladder. Then the causes and risk factors include anal abscess, infection, lack of treatment of hemorrhoids, anal fissures, diverticulitis, Crohn's disease, cancer and constipation. Clinical manifestations include irritation of skin around the anus, pain, fever, itching, tenderness, loss of appetite, weight loss, nausea, vomiting, generally feeling ill, draining of pus. Then what are the diagnostic evaluations we can do for ruling out this disease? Complete physical examination, rectal examination, barium enema, colonoscopy, sigmoidoscopy, intravenous pyelogram and fistulography. Medical managements include treatment varies depending upon their location and the severity of symptoms. Antibiotics we can give and enteral diet. What is enteral diet? We are giving the direct diet directly into the intestine. Okay, that is gastrostomy feeding. Then the surgical management include fistulotomy, seton, fibrin glue and endorectal advancement. Flap. These are the surgical management we will do for fistula. So, your assignment is you have to write in detail about the surgical procedures and the nursing management of anal fistulas. You can write the assignment and submit it to me by online. And if you have any doubt in the surgical procedures and the nursing management and about these two disease conditions, you can clarify at any time. Thank you.